इन्फ्लुएंसर हैं, मार्केटिंग एजेंसी ने, मतलब एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ने सोशल मीडिया सार्फीन के लिए पैसों के एवज जो है वो टिकटॉक की अनथक, जिसको हम कहते हैं ना कि स्क्रॉलिंग की नौकरी पेश कर दी है। अच्छा। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं उनके तहत ब्रांड्स की तशहीर करने वाली कंपनियां, जिसमें के मतलब कंपनी का नाम बेसिकली है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस बिल्कुल। और उन्होंने टिकटॉक वॉचिंग जॉब के लिए दो मतलब उनको कई जो बेसिकली उस जॉब का उन्होंने एडवर्टाइज किया ना वो है टिकटॉक वॉचिंग जॉब 2.0 और उसकी दरखास्तें उनको मौसूल होना शुरू हो गई हैं। और कंपनी कामयाब दरखास्त गुजारों को लगातार 10 घंटों तक टिकटॉक देखने के $100 फी घंटा जो है उसके हिसाब से पेमेंट किया करेंगे। $100 फी घंटा मिलेंगे जी, एक टिकटॉक देखना है बस। हाँ। बस मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। और आप उनको भेजें अपनी जो दरखास्त है उनको भेजें। अच्छा, दरखास्त अप्लाई करें बाकायदा तौर पे, उनको मौसूल हो रही है दरखास्तें। चेक कर लूं भाई, ये तो अच्छा है, मैं तो इस पे अप्लाई करूँ। ये मैं आपके साथ यहाँ पर आके दो घंटे जो कॉम को अपना लेक्चर दे रहा होता हूँ, तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ देखें, स्क्रॉलिंग करें और मतलब अगर 10 घंटे में देखता हूँ तो $1,000 हो गए दिन के। $1,000 का मतलब कल ₹310 पे था ओपन मार्केट में, तो ये तो ₹3,00,000 हो गए। ₹3,00,000 रोज के ₹3,00,000 नादरीन जा रहे हैं क्या? आई रिजाइन। सुन लिया किसी ने इधर उधर, आजकल तो एक्सेप्ट हो जाता है, वो नहीं होता। जब आप रिजाइन करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप कहते हैं मैंने रिजाइन वापस ले लिया तो कहते हैं आप एक्सेप्ट हो गया। वो जो नेशनल असेंबली का मामला चल रहा है। अच्छा खैर, जो ऐप है इस पर उभरने वाले नए ट्रेंड्स को दरियाफ्त किया जा सकेगा, इससे वो कंपनी जो है बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकेगी कि व्हाट इज इन दीज डेज, व्हाट इज ट्रेंडिंग, व्हाट इज द हैशटैग वगैरह वगैरह। और दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मई 2023 है। अच्छा तो बस ठीक है फिर, तो सही है, अभी तो है जगह, है टाइम, है टाइम भी है, आज सिलसिला चल रहा है। जॉब पर भाई रोज के ₹3,00,000 मिले, मतलब ये कि 10 दिन के 30 लाख रुपए हो गए। हाँ। रोज के 3 लाख के हिसाब से ₹90,00,000 तकरीबन 1 करोड़ रुपए अगर मैं कमा लूँ फिर तो देख मैं बात ना करूँ आप। चलो भाई नाजरीन प्रोग्राम बंद करते हैं, हो सकता है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, अभी ऐसी बातें ना करें। हाँ भेजते हैं, आहिस्ता से भेजते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है ना, फिर आगे का लाया अमल तय करेंगे।